वो और वो चार टेंस ठीक को डेट प्रॉपर वे में कर सके, जैसे कि अगर सिंपल का सकते हैं तो फिलिक्स स्पीशी के तौर पे भी, और ये कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया था कि क्योंकि एक दफा रिएक्शन जब इनिशिएट हो जाए तो क्योंकि दरमियान में एक और यूनिट खुद ब खुद बनता है, वो वाली साइड जो पहले अल्फा बीटा से जो रिलेटेड सिस्टम थी वो वाली साइड इनोलेट बन जाती है, तो वो उसको हम क्विंच करने के लिए प्रोटॉन क्योंकि देना होता है, तो वो प्रोटॉन ये स्टार्टिंग मटेरियल जहां से एक्चुअल में हम इनोलेट बनाना चाह रहे हैं वहां से ले लेता है एक्टिव मिथिलीन के इनोलेट को, और इस तरह से रिएक्शन जो है फैसिलिटेटेड वे में प्रोसीड होता रहता है एक्सेस स्पेस के बगैर भी। अब ये पॉसिबल माइकल एक्सेप्टर्स हैं कॉमन जो यूज होते हैं, आप देखेंगे अल्फाबेट अनसेचुरेटेड एस्टर्स, अल्फाबेट अनसेचुरेटेड अमाइड्स, अल्फाबेट अनसेचुरेटेड नाइट्राइल्स, नाइट्रो, अल्फाबेट अनसेचुरेटेड कीटोन, अल्फाबेट अनसेचुरेटेड लैक्टोन्स, और अगेन अल्फाबेट अनसेचुरेटेड कीटोन्स, ये साइक्लिक सिस्टम है दोनों, और ये बगैर साइक्लिक के हैं। सभी में देखें तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि बीटा पोजीशन जो है अगर वो अनहिंडर्ड है तो हम उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है। बीटा पोजीशन जो है जिसे हम अल्फा और फिर बीटा बोलते हैं, वो बीटा पोजीशन अगर अनहिंडर्ड है तो ये इजी माइकल एक्सेप्टर्स होते हैं क्योंकि इनके ये अवेलेबल होते हैं, हिंड्रेंस नहीं होती इस साइड पे, तो हम इनके साथ आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। जब हम कहते हैं माइकल एक्सेप्टर्स और जिसको हम कहते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल जिसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सिस्टम्स हैं, तो फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सिस्टम्स जो हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो आप कौन से रिएक्शन से बनाते हैं? मैम एल्डोल रिएक्शन। मैम अल्डोल कंडेंसेशन से हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बिल्कुल कॉम्बिनेशन हैं। बिल्कुल अल्डोल कंडेंसेशन। हम इट मींस कि हमें माइकल एडिशन करने के लिए उसका स्टार्टिंग मटेरियल बनाना आता है, एक तो हमें न्यूक्लियोफाइल लेना होगा और एक साइड जो है इलेक्ट्रोफाइल है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो उसे हम अल्डोल रिएक्शन से बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ माइकल एक्सेप्टर्स कैसे करते हैं वो हम ज्यादातर अल्डोल कंडेंसेशन से करते हैं, और हम उसको क्रॉस कंडेंसेशन करें या सेल्फ कंडेंसेशन करें, दोनों सूरतों में हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आप ये भी देखें कि जब आप अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो आपने जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल लिया एसीटोन, एसीटोन को आपने कंडेंस कर लिया और इनोलेट बना के कंडेंस करके और फिर डिहाइड्रेशन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम दिया, तो देखेंगे अब आप ये स्पीशी अंदाजा लगा सकते हैं, ये स्पीशी पूरी की पूरी जो है इसकी अल्फा कार्बन एज इनोलेट आई थी, ये दूसरी जो है पूरा कार्बोनिल जो है, अगर ओ एच को आप कार्बोनिल इमेजिन करें तो ये वाली दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोनिल का था। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप स्टार्टिंग मटेरियल चूज कर सकते हैं। सपोज मैं कहूं कि ये जो मैथिक मैथिल इसकी जगह पे मुझे एच चाहिए, मैथिल ये मैथिल ठीक है, ये मैथिल भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, इस एक मैथिल की जगह पे मुझे एच चाहिए, तो आप स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेंगे? एसिटाइल डी है, ठीक है, एक एसिटाइल डी हाइड्राइड और एक कीटोन। कीटोन कीटोन, क्योंकि हमें अल्फा कार्बन तो चाहिए ना जिससे रिएक्ट करना है और वो वही है सेम, सो एक एसीटोन ही चाहिए और एक एसिटाइल्डिहाइड चाहिए। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस जगह पे मुझे फेनिल ग्रुप चाहिए, ये जो मैथिल लगा हुआ है इस जगह पे मुझे फेनिल ग्रुप चाहिए, तो फिर आप क्या इमेजिन करेंगे? एसिटोफिनोन। एसीटोफिनोन। सो एक स्टार्टिंग मटेरियल एसीटोफिनोन होगा और दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? एसीटोन। कीटोनिन, बिल्कुल वही एसीटोन जो पहले से है। सो ये जो सब्सिट्यूएंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टार्टिंग मटेरियल लें और आप उसके अल्डोल कंडेंसेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनाएं। सो अगर अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पे भी मुझे एच चाहिए और यहाँ पे भी एच, क्योंकि हमारा जो माइकल बेस्ट एक्सेप्टर्स हैं ये देखिए कि ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शंस आप इमेजिन करें, ये वाले रिएक्शंस जो हैं
वो इमेजिन करें कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो, तो आप सपोज ये विनाइल कीटोन लिखो है आर सी डबल बॉन्ड ओ अल्फा कार्बन और सी एच टू, तो आप स्टार्टिंग मटेरियल क्या इमेजिन करें? फॉर्मेल्डिहाइड कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पे भी जब आपका आया है तो आप कहेंगे कि आपको ये पूरा कीटोन चाहिए और अल्फा पोजीशन जहां पे आपको अटैचमेंट करनी है वहां पे आपको सी डबल बॉन्ड ओ एच चाहिए। सो एक्चुअल में क्या है, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये कहाँ से आ रहा है? वो इस सी डबल बॉन्ड ओ से आ रहा है। सो ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है, एक सी डबल बॉन्ड ओ जो हम एज इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, उसकी जगह पे हमने ये सी डबल बॉन्ड सी बनाया होता है हमेशा। तो इसको आपने इमेजिन करना है। अब यहाँ देखिए उसी कंपाउंड को जिसको मैंने आपसे पूछा, वहां विनाइल कीटोन था, यहाँ जस्ट एल्डिहाइड है, इतना फर्क है, जिसे एक्रोलिन बोलते हैं। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, अगर हम कहें कि इस एक साइड पे हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, मींस के हमने इस मैथिल ग्रुप को अवेलेबल है इनोलेट बनाने के लिए, और दूसरी साइड पे हमने उसको फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो हमने रिएक्शन किया सिंपल एल्डोल, यहाँ पे इनोलेट बनाए, एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाए, तो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, और अनसैचुरेटेड सिस्टम बनाने के लिए डिहाइड्रेशन करें तो ये एक्रोलेन बनेगा। तो इसे हम बोल रहे हैं अब, क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल और है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल और है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्रॉस कंडेंसेशन है। अब ये जो क्रॉस कंडेंसेशन से जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक एसिटाल्डिहाइड चाहिए मुझे और एक फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए मुझे, तो जब हम इसका रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे देखिए कि एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड लिया और बेंजाल्डिहाइड लिया, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और बेस से हमने इसका रिएक्शन शुरू किया, तो आपने हाइड्रोक्सी बेस यहाँ यूज हुई है, आपने उसका प्रोटॉन क्विंच किया और इनोलेट बना लिया। जब इनोलेट बना लिया तो इनोलेट ने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट हुआ, जब वो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे एनायन बना और बिल्कुल उसी तरह से एल्डोल बना जैसे आप चाह रहे हैं। और एल्डोल बनने के बाद हमने क्या किया कि इसकी डिहाइड्रेशन इमेजिन करनी, डिहाइड्रेशन इमेजिन करें तो हमारा रिक्वायर्ड एल्डोल जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है वो बन जाता है। हाइड्रोक्सिल को रिमूव करें, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनेगा डिहाइड्रेशन। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, आपकी क्लास में से किसी की आवाज आई भी थी जिसे मैनिक बोला था, तो मैंने इसको लिखा है कि ये एक्चुअली मैनिक रिएक्शन का बैकग्राउंड है कि मैनिक हमें क्यों करनी पड़ती है। एक्चुअल में ये होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, हम कहते हैं कि देखिए सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में से अगर आप लेक्चर को देखें जहां मैंने कार्बोनिल्स की रिएक्टिविटी आपको बताई थी, ये तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, देन कीटोन होते हैं, देन एस्टर्स होते हैं, देन अमाइड होते हैं डायरेक्ट एडिशन के लिए, और फिर हमने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे एक्स ग्रुप हो तो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक, मींस कि अगर एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं तो अगर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एल्किल ग्रुप थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो अगर सेकेंड साइड पे भी एच ही लग जाए तो मींस कि वो सिंपल एल्डिहाइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो जो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होती है, और इसलिए ये इसको हम सुपर एल्डिहाइड बोलते हैं कि ये एल्डिहाइड में से ओवर रिएक्टिव है और इसका रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है, क्योंकि ओवर रिएक्टिविटी हो तो आप समझते हैं कि रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे आगे हो रहा होता है। तो ये क्या करता है कि ये अल्कोक्सी ये दोबारा से जो सेकंड प्रोटॉन है उसको इनोलेट बनाता है, क्योंकि अगली एल्डिहाइड रिएक्ट करने के लिए रेडी होती है। सो जितनी इसके पास एच प्रेजेंट होती है, जैसे एसिटाल्डिहाइड है तो इसके पास तीन एच प्रेजेंट है, अगर सपोज ये एसिटाल्डिहाइड के बजाय आप मैथिल के बजाय आप इमेजिन करते हैं कि ये सी एच थ्री सी एच टू है, तो मीन्स के उसके पास अल्फा कार्बन दो प्रोटॉन्स अवेलेबल थे, यहाँ तीन प्रोटॉन्स अवेलेबल है। सो जितने प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं उतनी बार वो इनोलेट बनता रहता है, और उतनी बार इनोलेट होके वो अगली कार्बोनिल से रिएक्ट होता रहता है।
तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि ये सेकेंड प्रोटॉन इसने निकाला, दोबारा से उसी सी एच टू को फिर एक एल्डिहाइड से रिएक्ट हुआ और इसको हमने एल्डोल ही की तरह, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है और ये एक बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले अटैच हुआ था, ये बीटा हाइड्रोक्सी दूसरा अटैच, ये ग्रुप कहाँ से आ रहे हैं, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच कहाँ से आ रहे हैं, इस सी एच टू ओ से, क्योंकि यहाँ ये एल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड से आ रहे हैं और ये ओवर रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्शन रुकता नहीं है और तीनों प्रोटॉन्स बारी बारी जो हैं वो रिमूव होते हैं और इस तरह से इसको थर्ड एल्डोल लिखा है कि ये एक भी दूसरा भी तीसरा भी, तीनों स्पीशीज जो हैं वो आगे इसके साथ अटैच होती जाती है। जब ये सारी आगे अटैच हो जाती है तो रिएक्शन यूजली इस स्टेज पे भी अगर ये हाइड्रोक्सिल के प्रेजेंट में पर्टिकुलरली हो रहा हो तो ये रुकता नहीं है और ये क्या करता है कि ये वाली जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये इटसेल्फ एज क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। इस स्टेप में देखिए कि यहाँ ये मेंशन है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो कार्बोनिल पे अटैक हुआ है, एल्डिहाइड को उसने क्या किया है हाइड्रेटेड आयन एनायन में बना दिया, यानी ओ एच उसके साथ आके लग गया, बाकी वही सिस्टम है और फिर इस H को उसने फिर हाइड्रोक्सिल ने रिमूव किया है और ये डाई एनाइन स्पीशी बन गई। ये बहुत रेयर होती है लेकिन ये बनती है डाई एनाइन स्पीशी। अब ये जो डाई एनाइन स्पीशी है तो हमें नजर आ रही है कि इतनी स्टेबल तो नहीं होगी क्योंकि डाई एनाइन है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापिस जाना चाहते हैं, जब वो वापिस उसे कार्बोनिल बनाने लगते हैं तो वहां से हाइड्राइड रिमूव हो जाता है और हाइड्राइड जो है क्या करता है रिडक्शन की तरह का स्टेप करता है, वो कार्बोनिल के अंदर एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको और इस स्पीशी को वो सिंपल जो एल्डिहाइड थी उसको रिड्यूस करके आर सी एच टू ओ में कन्वर्ट चुका होता है और ये इस साइड पे तो जो एनाइन बनना चाहिए था वही है कार्बोक्सिलेट एनाइन जो है वो बना है और ये जो स्पीशी डाई एनाइन है ये अवेलेबल हो जाती है किस चीज के लिए, कौन सी स्पीशी, ये वाली हाइड्रेट एनाइन जो है और ये क्या कर रही है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग और एच को एस हाइड्राइड आयन यूज करना, तो ये क्या करती है कि ये रिडक्शन वाला स्टेप जो है वो यहाँ पे हो रहा है कि अब ये जो एल्डिहाइड हमारे पास थी इसका ये जो डाई एनाइन था वो इसके साथ रिएक्ट होता है, एच रिडक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, हाइड्राइड आता है, वो हाइड्राइड इसे मिलता है और इस साइड पे तो हमारे पास जो बना आप देख लें कार्बोनिल एंड देन H और यहाँ पे क्या बना कि वो फिर इसको CH2 मिल गया, एक H और मिला और ये OH। सो इस तरह से कार्बन जो है जो एसिटाल्डिहाइड की कार्बोनिल थी उसे आप देखें तो वो सारी की सारी जो है वो CH2OH 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 जितनी उसके पास पॉसिबिलिटी थी CH2OH बनने की वो सारी की सारी जो है वो उसमें सैचुरेट हो गई है। सो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका रिएक्शन मुश्किल होता है, उसकी रीजन जो है वो उसकी ओवर रिएक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इवन सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड मार्केट में अकेला फॉर्मेल्डिहाइड की तरह मिलता भी नहीं है, आप जो रूटीन में यूज करते हैं जैसे बायो वगैरह में तो आप फॉर्मेलिन सॉल्यूशन ले रहे होते हैं और अदरवाइज जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो डायऑक्सिन ट्रायऑक्सिन पैराफॉर्मेल्डिहाइड इस तरह के पॉलीमर्स में यानी डाइमर ट्राइमर और पॉलीमर्स की तरह वो आपस में यूनाइट हुए होते हैं एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल और जब हम उसे हीट करते हैं तो उसमें से फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज होती है जिसे हम रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। सो ये ओवर रिएक्टिविटी जो है कार्बोनिल की एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल की वो रिएक्शन को हमारी रिक्वायर्ड साइट पे नहीं जाने देती बल्कि क्या करती है कि वो बार बार न्यूक्लियोफाइल बन बन के नया एल्डिहाइड नया फॉर्मेल्डिहाइड नया फॉर्मेल्डिहाइड अटैच होके सारी की सारी स्पीशीज जो है जितने तीन मेथड्स थे तो तीनों के तीनों मेथड्स की जगह तीनों के तीनों प्रोटॉन्स की जगह पे सी एच टू ओ एच जो फॉर्मेल्डिहाइड वाला सी एच टू ओ एच है वो आ चुका होता है और एट द एंड डाई एनाइन बन के केनेजेरो रिएक्शन से ये हाइड्राइड की रिडक्शन की तरह का स्टेप होके तो चौथी जगह पे भी यहाँ पे सी एच टू ओ एच आ चुका है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को सिंपल क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन जैसे यहाँ मेंशन है
से करवाना इजी नहीं है, मुश्किल है, साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसलिए फिर कोशिश की जाती है। और इसकी रीजन अब हम समझ रहे हैं, इसकी रीजन फॉर्मेल्डिहाइड की ओवर रिएक्टिविटी है, ओवर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। मींस के जब मुझे CH2 इंट्रोड्यूस करवाना है, CH2 ये वाला, CH2 में सिर्फ चाहती थी कि आ जाए, तो अगर हमें CH2 इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम सिंपल क्रॉस कंडेंसेशन से रिएक्शन नहीं करेंगे, बल्कि हम इस फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये ओवर रिएक्शन क्यों कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंट्रोल कर लें, मास कर लें। सो कंट्रोल करने के लिए हमें इसको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेगा ऐसी स्पीशी में कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कंट्रोल हो जाए और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के तौर पे ये CH2 मुझे अवेलेबल हो जाए और ये बार बार रिएक्ट ना हो। तो वो उस रिएक्शन के लिए फिर हम मैनिक रिएक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास मैनिक रिएक्शन है, ये भी है तो आपका पढ़ा हुआ रिएक्शन सिक्स सेमेस्टर का, लेकिन प्रॉपर रीजनिंग के साथ क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा। सो मैनिक रिएक्शन एक्चुअली अनसब्स्टिट्यूटेड जो माइकल एक्सेप्टर्स हैं, जहां पे मुझे CH2 चाहिए, अनसब्स्टिट्यूटेड चाहिए, और एक्सोमेथिलीन्स वाला जो है, जहां जैसे आप रिंग के बाहर, जैसे यहाँ मैंने स्टार्टिंग मटेरियल आपको बताए थे ये वाले, तो ये जो CH2 लाना है, ये CH2 लाना है, ये हम एल्डोल कंडेंसेशन से नहीं करते, क्योंकि हमने फॉर्मेल्डिहाइड को एज इलेक्ट्रोफाइल अगर यूज किया तो वो ओवर रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए अब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड को मास करना है और मास करके उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है, तो पहला स्टेप हम इसको क्या करते हैं, हम उसको सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करवा देते हैं। और सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करवाएं तो सेम वही रिएक्शन जैसा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग, ए नाइन प्रोटॉन आना, प्रोटॉन के साथ अटैच होता है, तब देन आप थोड़ी सी एसटी कंडीशन प्रोवाइड करके इसको हाइड्रोक्सिल गुड लिविंग ग्रुप चेंज करते हैं, एन का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर आप यूटिलाइज करके लिविंग ग्रुप को रिमूव करते हैं, और इस जगह पे अब क्या चीज आ चुकी हुई है, डबल बॉन्ड आ चुका हुआ है, एन डबल बॉन्ड सी, और एन डबल बॉन्ड सी के साथ एच टू प्रेजेंट है। अब हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसको और से देखेंगे कि जिसको हम यूज कर रहे हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या था, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ। अब हमने उसे किस चीज में करवा दिया, सी एच टू और सी डबल बॉन्ड एन। ये जो N है और N पे प्लस है, तो ये वाली कार्बन अब उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रही जितनी के वो कार्बोनिल की फॉर्म में थी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आ चुका हुआ है, तो इस वजह से अब हमने उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंट्रोल कर लिया है। अब ये स्पीशी हम एज इलेक्ट्रोफाइल अप्लाई करवाएंगे, और सेकेंड स्टेप में, क्योंकि जब हमने क्या करवाना था, हम ये चाहते थे कि इनोल के साथ बीटा पोजीशन पे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स क्रिएट कर सकें, तो इनोल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। पहला स्टेप इनोल का बनना, वो आप इनोल बना लें या इनोलेट बना लें, दोनों तो तरह से ठीक है, तो यहाँ पे इनोल से हुआ है, लेकिन आप इनोलेट भी बनाएंगे तो वो इसी तरह से रिएक्ट करेगा, बल्कि ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपने इनोल या इनोलेट को, मीन्स के न्यूक्लियोफाइल को आपने अटैक करवाया इस स्पीशी पे जो आई मीन्स आर्ट था, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन मूव करके आपने आगे नाइट्रोजन पे ट्रांसफर कर दिया। अब आपने ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, मींस कि आपने क्या करवा दिया, अल्फा पोजीशन पे सी एच टू इंट्रोड्यूस करवा दी है। बनाना हम क्या चाहते हैं, इस जगह पे डबल बॉन्ड लाना चाहते थे, और हम सिंगल बॉन्ड तक पहुंच गए हैं, मीन्स कि हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा लिया, जो फॉर्मेल्डिहाइड के पास CH2 थी वो CH2 हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी है, और जस्ट हमारे पास एक ये ग्रुप एक्स्ट्रा है जिसे हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। सो हम इसको कैसे रिमूव करते हैं कि हम इसकी अल्किलेशन करते हैं, अल्किलेशन करेंगे एन की, उसे गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, जैसे हाइड्रोक्सिल हो तो आप ऑक्सोनियम बनाते हैं, तो इस तरह से आप कार्बोनाइजेशन कर देते हैं, प्लस ले आते हैं गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए,
तो आप एन अल्किलेशन करेंगे और मेथल आयोडाइड, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो मेथल आयोडाइड इसके लिए बहुत अच्छा सब्सट्रेट है। तो हमने सिर्फ क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा रिएक्शन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिएक्शन हमेशा वही चूज किए जाते हैं जो वेल एस्टेब्लिश रिएक्शन हो और जल्दी से हो जाते हो, ताकि कोई हमें ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो हम इस एन की मेथिलेशन कर देते हैं, मेथिलेशन करके इसकी क्वार्टरनाइजेशन की, और फिर अब हमने क्या किया, इसको हमने रिमूव करवाना है। तो ये उसी तरह जैसे पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन जो बेस कैटलाइज थी उसको करवाते थे, तो हम क्या करते थे, यहाँ ऑक्सोनियम बनाया हुआ होता था, अब यहाँ पे अमोनियम है और इसको क्वार्टरनरी अमोनियम है, यहाँ पे ट्राइमेथिल क्वार्टरनरी अमोनियम, इसको आपने बेस से इनोलेट बनाया। उसी तरह से E1 CB मैकेनिज्म से लिविंग ग्रुप लीव हो गया और आपने CH2 सिंगल CH2 इंट्रोड्यूस करवा ली, और उसको हम कह रहे हैं कि ये वो रिक्वायर्ड एक्सोमेथिलीन कार्बन कंपाउंड है जिसे हम एज माइकल एक्सेप्टर्स आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया है? यस मैम। मैम यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता OH, मतलब के NR3 गुड लिविंग ग्रुप हो जाए। NR3 ही गुड लिविंग ग्रुप है ना? यस मैम, मतलब के ये जो हाइड्रोक्साइड बेस है वो प्रोटॉन लेने की बजाय SN2 रिएक्शन दे के NR3 को। अच्छा, हाइड्रोक्सिल से एक्सचेंज कर दे, आपका ये मतलब है? यस मैम। इस कार्बन से पे अटैच हो जाए, ये जो बीटा कार्बन है, कार्बोनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीटा कार्बन है। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे जो रीजन है ना इस साइड पे जाने की, उसकी रीजन देखें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आप देखेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे ये एज बेस रिएक्ट कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि ये एज न्यूक्लियोफाइल अगर आ जाए तो यही रीजन हो सकती है कि यहाँ वो अटैक करे इसको। yes. आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को देखें और ये यहाँ से इसको लीव करा दे। तो अब होता क्या है कि इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो सिर्फ ये स्टेबल जो इनोलेट बनता है, ये ड्राइविंग फोर्स होती है। जैसे हमने पहले भी देखा कि जिस डायरेक्शन में इनोलेट बनने का चांस है, जैसे क्लेजन में मैंने आपको बताया था कि वो क्यों डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि इनोलेट बन रहा था। तो इनोलेट का बनना यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। और यूजुअली हम ऐसी ही स्पीशीज यूज करते हैं जो एज बेस तो रिएक्ट कर लें लेकिन एज न्यूक्लियोफाइल कम रिएक्ट करें, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इसका चांस टोटली खत्म हो गया है। कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकता है उस रास्ते से भी चले रहे और कुछ साइड प्रोडक्ट्स बन सकता है, ऐसा नहीं कि ना बने। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं आगे चल सकती? नो मैम। नो मैम क्वेश्चन पे कहा है या नो मैडम आगे चलने पे कहा है? मैम क्वेश्चन पे कहा है। चलो ठीक है। सो ये कंसेप्ट अब आपकी समझ में आ गया है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम एल्डोल रिएक्शन से बनाते हैं, लेकिन अगर हमें अनसब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे H और H चाहिए हुआ, ऐसा सब्सटेंस हुआ माइकल एक्सेप्टर, तो फिर उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड को मास करके मैनिक रिएक्शन के थ्रू करेंगे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ओवर रिएक्टिव होती है। सो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, आगे चलते हैं। अब ये जो माइकल रिएक्शन हैं, क्योंकि हमारा मेजर पर्पज तो माइकल रिएक्शन ही था, हमने सिर्फ उसका स्टार्टिंग मटीरियल बनाना सीखा है कि वो हम एल्डोल से या मैनिक से बना सकते हैं। तो जब एक बार हमारे पास माइकल एक्टर्स बन गए हैं तो फिर हम उन्हें यूज कर सकते हैं अगले रिएक्शंस में। और ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सी एप्लीकेशंस हैं माइकल रिएक्शंस की, कि आप देखें कि इनोलेट अल्फा बीटा कार्बन पे अटैक और 1,5-dicarbon, सो ये 1,5-dicarbon कंपाउंड बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। अब ये जो इनोलेट है, अगर सपोज देखें कि अगर हम कार्बोनिल है 1,5-dicarbonyl, अब इसको अगर हम दोबारा से ये वाला इनोलेट बना लें जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है,
और अब हमें कंडीशंस पता है कि किन कंडीशंस में थर्मोडायनामिकली बनेगा और किन कंडीशन में काइनेटिक बनेगा। तो अगर हम किसी भी वे में इसको ये इनोलेट बनाने में सक्सेसफुल हो चुके और हम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें और फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल टाइप कंडेंसेशन करें, तो हमारे पास क्या आएगा? अगर आप रिंग नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 वाले कार्बन जो अटैक हुए, तो आप इसको काउंट करें। तो इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन सिस्टम्स बनाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है साइक्लोहेक्सेन्स बनाने का। और साइक्लोहेक्सेन्स आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट रिंग सिस्टम समझा जाता है क्योंकि ये सबसे स्टेबल सिस्टम है। सो नंबरिंग यहाँ हुई हुई भी है, इसे नंबर 6 कह लें और जरा खुद से बनाए। फिर आपने उसको A9 बनाया और डिहाइड्रेशन की, तो वह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। मैंने मेरे ख्याल में आपसे मैंने खुद करने को नहीं कहा, मैंने के स्टेप्स खुद करने को नहीं कहा, प्लीज कर लीजिएगा। ये यहां से पूरा कंसेप्ट समझ के कि कैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ओवररिएक्टिव होती है और फिर हम इस स्टेप पे आके क्यों मैनिक करते हैं, मैनिक वाले को भी खुद से जरूर कीजिएगा। अब आप कौन सा कर रहे हैं जो मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाना बताया? यस मैम, साइक्लोहेक्सेन। यस मैम, ठीक है करें। तो उसके बाद एक रिएक्शन दिया है, उसका मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, उसके बाद वो करें। वही रिएक्शन है जो ऊपर दिया हुआ मैकेनिज्म। तो यही जो 6 मेंबर रिंग बनाने की एप्लीकेशन है, इसको हम रॉबिन्सन एनुलेशन बोलते हैं। और यहाँ देखिए कि रॉबिन्सन एनुलेशन जो है, आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया मेथिल वैलिन कीटोन, आपने उसको रिएक्ट करवाया, बेसिक रिएक्शन ये था, आपने उसे रिएक्ट करवाया, ये साइड एक्टिव मिथिलीन है क्योंकि, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जिस न्यूक्लियोफाइल ने बीटा कार्बन पे अटैक होना है, एट द एंड आपने 6 मेंबर रिंग बनाना है। इसे विलेंड मेजर कीटोन बोलते हैं, ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट के सिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे हेल्प करता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखिए, इनोलेट का रिएक्शन, बीटा कार्बन पे अटैक
और इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन को आपने प्लीज नंबरिंग करके फिर रिएक्शन कीजिएगा। A9 बनता है, A9 बनने के बाद आप उसे वापस कार्बोनिल बनाए। फिर इस स्पीशी को आप एल्डोल टाइप स्टेप से करें, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करें और 6 मेंबर रिंग बनाए। 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिहाइड्रेट करके रिमूव कर दें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनता है। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके स्टेप्स जो हैं वो उसी E1CB मैकेनिज्म से आपने उसे रिमूव किया और ओवरऑल जो स्टेप्स हैं वो यही कि आपने इसको अटैच करवा के और रिंग बना लिया। सो 6 मेंबर रिंग की जो अप्लीकेशन हैं वो सारी की सारी रॉबिन्सन इनहेलेशन कहलाती हैं। तो इस वाले रिएक्शन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो मैंने एक्सरसाइज में यहाँ दिया है, इसको भी बनाइएगा सेम उसी तरह से। ये भी एक्टिव मिथिलीन है, आप देख रहे हैं कार्बोनिल कार्बन एंड देन कार्बन, बस सिर्फ यह है कि ये सिस्टम से बाहर लिखी हुई है। तो इसको भी कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, ये एक ही वे में रिएक्शन जाते हैं। रॉबिन्सन इनहेलेशन उसी की एप्लीकेशन है। चलिए इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर को कम